हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स देखो में। दोस्तों, वनडे और टी20 क्रिकेट में नो बॉल को बहुत बड़ी गलती माना जाता है, क्योंकि इसमें न केवल विरोधी बल्लेबाज को एक अतिरिक्त रन मिलता है, इसके साथ ही एक अतिरिक्त डिलीवरी भी, और जिसे फ्री हिट कहा जाता है, वो भी उसे मिलती है। इसके अलावा फ्री हिट में आउट होने वाले बल्लेबाज को आउट नहीं माना जाता है जब तक वो रन आउट ना हो। क्रिकेट के इतिहास में नो बॉल से जुड़ी कई क्षण हैं जो गेंदबाज की गेंदबाजी करने वाली टीमों पर भारी पड़े हैं। वर्तमान समय में ऐसे गेंदबाज को ढूंढना जिसने कभी भी नो बॉल ना फेंकी हो लगभग नामुमकिन है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने अनुशासन से अपनी बॉलिंग करते हुए क्रिकेट करियर में कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको ताज्जुब तो जरूर हो रहा होगा, लेकिन इस लिस्ट में ऐसे 5 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने कभी भी अपनी क्रिकेट इतिहास में गेंदबाजी करते वक्त एक भी नो बॉल नहीं फेंकी है। चलिए लिस्ट में 5वें नंबर पर बात करते हैं लेंस गिब्स की। वेस्टइंडीज के इस पूर्व खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल स्पिन गेंदबाज में से एक माना जाता है। वे इंग्लैंड के फ्रेड ट्रूमैन के बाद 300 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं और ऐसा कारनामा करने वाले पहले स्पिनर थे। इस ऑफ स्पिनर ने अपने करियर में 89 टेस्ट में से 3 एकदिवसीय मैच खेले हैं और दोस्तों 311 विकेट भी अपने नाम किए हैं। जॉर्ज टाउन में पैदा हुए इस क्रिकेटर ने अपने क्रिकेट करियर में कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी और ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले और एकमात्र स्पिनर बने थे। लिस्ट में 4वें नंबर पर बात करते हैं डेनिस लिली की। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज डेनिस लिली को क्रिकेट इतिहास का सबसे महान तेज गेंदबाज माना जाता है। लिली टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। इस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने 1971 में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी और दोस्तों 1984 में चोट की वजह से वे क्रिकेट से संन्यास ले लिए थे। दोस्तों 13 वर्ष में अपने क्रिकेट करियर को लिली ने 70 टेस्ट मैच खेला और 23.92 की औसत से 355 विकेट भी लिए। साथ ही दोस्तों इसके अलावा 23 बार 5 विकेट और 7 बार 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज रखा है। लिली ने 63 एकदिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आक्रमण का नेतृत्व भी किया है और दोस्तों उन्होंने 20.83 की औसत 103 विकेट भी लिए हैं। अपने असाधारण और अनुशासित गेंदबाजी के कारण ही उन्होंने 13 वर्ष के क्रिकेट करियर में कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी है। चलिए अब लिस्ट में 3रे नंबर पर बात करते हैं आयन बुथम की। दोस्तों इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और दुनिया के महानतम ऑलराउंडर में से एक रहे आयन बुथम इंग्लैंड की टेस्ट और एकदिवसीय टीम के स्टार खिलाड़ियों में से शुमार हैं। दोस्तों 16 साल के अपने क्रिकेट करियर में बुथम ने 102 मैचों में 28.40 की औसत से 383 विकेट लिए हैं और बल्लेबाजी में 33.54 की औसत से 5200 रन भी बनाए हैं। उन्होंने 116 एकदिवसीय मैच इंग्लैंड के लिए खेला है और 2113 रन बनाया है, साथ ही 28.54 की औसत से 145 विकेट भी ले चुके हैं। इंग्लैंड के इस महान खिलाड़ी ने अपने 16 साल के क्रिकेट करियर में आज तक एक भी गेंद पर नो बॉल नहीं फेंकी है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर इमरान खान की। उस समय जब पाकिस्तानी खिलाड़ी टीम की जीत की तुलना में व्यक्तिगत प्रदर्शन पर अधिक जोर देते थे, तब दोस्तों इमरान खान ने टीम में नई जान फूकने का काम किया था। इमरान ने 1982 में अपनी टीम की कप्तानी संभाली और 1987 में भारतीय टीम को भारत में ही हराने वाले पहले पाकिस्तान कप्तान भी बने और दोस्तों 1992 में पाकिस्तान को विश्व कप भी जिताने में उनका अहम योगदान आया और इमरान खान ने इंग्लैंड के विरुद्ध 1992 में विश्व कप फाइनल में 72 रन बनाए थे और गेंदबाजी में भी एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया था। अपने क्रिकेट करियर में इस पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने 88 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 3807 रन बनाए हैं और 362 विकेट भी लिए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने 175 एकदिवसीय मैचों में 3709 रन बनाए हैं और 182 विकेट लिए हैं। इस महान खिलाड़ी ने अपने क्रिकेट करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी है और 6 की 6 गेंदें बहुत ही सटीक तरीके से फेंकी है। अब चलिए बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पर कपिल देव के। हरियाणा हरिकेन के नाम से मशहूर कपिल देव भारत
भारत के सबसे महान ऑलराउंडर में शुमार हैं। भारत को पहला विश्व कप विजेता बनाने वाले पहले खिलाड़ी और कप्तान जो थे वो कपिल देव ही थे। इस बल्लेबाज के नेतृत्व की क्षमता और कौशल भरी गेंदबाजी की चर्चाएं हर तरफ होती थी। भारतीय टीम में वैसे तो कई महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि कपिल देव ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम को कोई भी दूसरा कपिल देव नहीं मिला। कपिल देव ने 1978 में टेस्ट मैच में अपना क्रिकेट करियर की शुरुआत किया और 1983 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम को बना भी दिया। 1983 में विश्व कप जीतने से पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मैच में उन्होंने 138 गेंद पर 175 रनों की शानदार पारी भी खेल दी थी और अपने अकेले दम पर ही टीम को जीत दिला दी थी। उनकी यह पारी क्रिकेट इतिहास में खेली गई सर्वोपरि और महान पारियों में से एक रही है। बाद में वे फाइनल में भी वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान भी बने। हरियाणा के पैदा होने वाले महान क्रिकेटर ने 131 टेस्ट मैच और 225 एकदिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 434 विकेट, 5,548 रन और 253 विकेट एकदिवसीय में और 5,548 रन अपने नाम किए हैं। वे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5,000 रन और 400 विकेट लेने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी भी हैं और इन्होंने अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे 5 खिलाड़ी जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में आज तक एक भी नो बॉल नहीं फेंकी है। इस लिस्ट में आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा आया पसंद, ये हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और भी ऐसे क्रिकेट से जुड़ी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करके आप और भी वीडियोस का आनंद उठा सकते हैं।